बहराइच शहर में समाज सेवी संदीप मित्तल एवं श्याम महिला संघ के सदस्यों ने एक अनूठी पहल किया। शीतल लहर को देखते हुए समाज सेवी संदीप मित्तल एवं ईसा केडिया के नगर बहराइच के सभी प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों में कार्यरत सभी रसोइयों को स्थानीय डायलमिया धर्मशाला में निःशुल्क कंबल वितरण किया गया। समाज सेवी संदीप मित्तल ने बताया कि उन्हें जब ये पता चला कि इन विद्यालयों की रसोइयों को 1000 प्रति माह वेतन मिलता है तो उनकी मदद करने हेतु श्याम महिला संघ की अध्यक्षता ईसा केडिया से बात करके उनके सहयोग से निःशुल्क कंबल वितरण किया गया। कंबल पाकर सभी रसोइयों का चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित मित्तल, सरचिका शशि मित्तल, श्याम महिला संघ की अध्यक्ष ईसा केडिया, धनंजय जायसवाल मौजूद रहे। जनपद में जो नगर क्षेत्र में जो जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय हैं उनकी जो रसोइयाँ हैं, जब हम लोगों को पता चला कि उनकी तनख्वाह केवल 1000 रुपये प्रतिमाह है और वो भी बहुत अनियमित तरीके से मिल रही है लोगों को, तो मन में आया कि इनकी कुछ मदद करनी चाहिए जाड़े में। और शीतलहर का प्रकोप देखते हुए, चूँकि हम लोग पूरे माह कम्बल वितरण का काम करते हैं, तो श्याम महिला कल्याण समिति और हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ में एक कार्यक्रम रखा गया और प्रत्येक विद्यालय से सभी रसोइयों को बुला करके और यहाँ पे कंबल देने का काम किया गया। क्योंकि जूनियर और प्राइमरी विद्यालय में जितनी भी रसोइयाँ थी, लगभग 150-152 रसोइयाँ यहाँ पे आई थी, सभी को कंबल देकर के उनको शीतलहर से बचने में थोड़ा मदद करने का प्रयास किया।